Assalamualaikum students, I am Amar from nearbeer.org. इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के मेरे दो मकसद हैं. नंबर वन, एमडी कैट को लेकर आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन आजकल चल रही है, सबसे पहले उनको रिमूव किया जाए, सही है. और एमडी कैट से रिलेटेड जो भी मैं आपकी काउंसलिंग कर सकता हूँ वो करूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए. और नंबर टू, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिंस नियरपीयर इज इन द ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन एमडी कैट सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स, तो हाउ कैन नियरपीयर एक्चुअली हेल्प देम इन एमडी कैट प्रिपरेशन, स्पेशली इन द कोविड टाइम्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द कोविड टाइम्स, आई होप दैट यू आर स्टेइंग सेफ एट योर होम. अब कोविड की वजह से ही काफी सारी कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली बनी हुई है. और डेफिनेटली हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से आप लोगों के एफएससी के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो डेफिनेटली इट वाज आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन बनी थी जो कि खराब होगी. तो डेफिनेटली एफएससी एग्जाम्स कैंसिल हमारे हुए हुए हैं, जिसकी वजह से एक अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है. एंड देन वी नो कि चलो ठीक है, एफएससी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट एकेडमीज आर नॉट सेफ आउट देयर. ठीक है, अगर कोई एकेडमी खुली भी है तो आप लोगों के लिए जाना वो अच्छी बात नहीं, आप लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे. इनफैक्ट आपको जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली सेहत से ज़्यादा आगे कोई चीज़ नहीं है. बट वी नो कि हमने एमडी कैट देना है, और UHS वालों ने भी जिस तरह से अनाउंस किया है कि देना है, लेकिन अगेन ना उसकी कोई डेट है, ना कोई प्रिपरेशन का मटेरियल है, तो डेफिनेटली उसकी भी एक डिप्रेशन और एनजाइटी है आपके माइंड में. और उसके बाद व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग आउट देयर कि अच्छा हम कहाँ से तैयारी करें, कौन सी बुक्स लें, कौन सी अकेडमी के अंदर जाएँ, तो वी नो द अमाउंट ऑफ लेस क्रेडिबल इंस्टीट्यूट जो एकदम से स्प्रिंग अप हो गए हैं इन द टाइम्स ऑफ कोविड. एवरीवन हैज स्टार्टेड जंपिंग इनटू द ऑनलाइन एजुकेशन थिंग विदाउट इवन नोइंग ऑनलाइन एजुकेशन. नाउ अ लॉट ऑफ एकेडमीज फॉर विच आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट इन द फिजिकल स्पेस, वो फिजिकल स्पेस में बहुत अच्छा करते हैं, बट कोविड टाइम्स को देखकर उन्होंने जल्दी जल्दी अपने स्टूडियो में एक कैमरा रख लिया, एक माइक रख लिया, और एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के रिसोर्सेज निकालने उन्होंने शुरू कर दिए. एंड वी नो अबाउट अ लॉट ऑफ लेस क्रेडिबल ऑनलाइन रिसोर्सेज, बेशक फिजिकल में बहुत अच्छे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन वी नो के, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया होगा, देर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स हू डू नॉट इवन हैव द डेमो लेक्चर्स. वो कहते हैं कि इतने सारे पैसे दो, हम आपको LMS के अंदर डालेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा. और स्टूडेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि काफ़ी सारे उनके पैसे ज़ाया हो रहे हैं. सो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली एड्स अप इन द डिप्रेशन एंड द एंजाइटी एंड ओवरऑल स्ट्रेस. तो डेफिनेटली हमें इनको रिमूव करना है. सबसे पहले एमडी कैट से रिलेटेड मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं नियर पीयर पे आता हूँ. बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट आप नियर पीयर पे पढ़ो या ना पढ़ो, दैट इज अ वेरी सेपरेट इशू. लेकिन सबसे पहले हमें एमडी कैट को देखना है. एमडी कैट इज अ बिगर पिक्चर, बिगर टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. नियर पीयर इज अ सेकेंडरी टॉपिक, ठीक है. अच्छा, एमडी कैट टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. एमडी कैट टेस्ट के ऊपर हमारी जो ओपिनियन है, ठीक है, नियर पीयर की, वो ये है कि आप लोग अपने माइंड में ये रखें कि मिड सितंबर जो है, डैट इज दी डेट जब आपका एमडी कैट होगा, ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क्ड. इससे अगर आगे हो बहुत अच्छी बात है, आपको ही ज़्यादा टाइम मिल रहा है, लेकिन अभी के लिए हमें अपने माइंड में ये रखना है कि मिड सितंबर हमने टारगेट बनाना है, उससे पहले पहले हमने अपनी तैयारी ख़त्म करनी है, नो मैटर वॉट, ठीक है. कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि VC ने खुद बोली है ये सारी बातें कि बहुत सारे रिपीटर स्टूडेंट्स पिछली बार के हैं, उन्होंने भी अपनी तैयारी की होती है पूरे साल, उनको भी हक है पेपर देने का, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते इसको. एंड दिस इज दी टेस्ट दैट एक्चुअली अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्चुअली रिलाई अपॉन दिस पर्टिकुलर टेस्ट फॉर देयर एडमिशंस, टू स्क्रूटिनाइज द गुड स्टूडेंट्स, टू सेपरेट द बेस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉट, ठीक है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. वेटेज जो है वो इंक्रीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, इसलिए कोई इसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. इंक्रीज हो रही है तो सबके लिए इंक्रीज हो रही है, नहीं इंक्रीज हो रही है तो सबके लिए नहीं हो रही, तो इस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस ना हो. इंक्रीज हो रही है, हमें लगता है कि शायद इंक्रीज हो जाए, क्योंकि FSC इस बार कैंसिल हुआ है, तो FSC इज अ लेस क्रेडिबल मेजर ऑफ हाउ स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म, तो मे बी जो है वेटेज बढ़ जाए, लेकिन नहीं भी बढ़ी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है. अच्छा, एमडी कैट जो इस बार ऑनलाइन कंडक्ट होगा, ठीक है, अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ेगी, और हमें लग रहा है कि साल दो साल कोविड कहीं पर भी नहीं गया, तो ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा, ठीक है. अब ऑनलाइन का मकसद क्या है कि आपके घर पर बैठ के होगा, शायद आपके घर पर बैठ के नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स बने हुए होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर टेस्टिंग सर्विसेज होती हैं, शायद उनके मदद जो है UHS ले. और जैसे वाइस चांसलर UHS कह रहे थे कि हम लोग जो है शायद डिफरेंट लॉट्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स से टेस्ट लें, सुबह का एक बैच, दिन का एक बैच, शाम का एक बैच, रात का एक बैच, इस तरह से हम 24 आवर्स करके हम लोग जो है स्टूडेंट को एक कंप्यूटर सेंटर में बुलाएंगे, पेपरलेस तरीके से काम होगा. नाउ पेपरलेस अगर है तो इट इज़ मोर ऑफ अ मोटिवेशन फॉर यू गाइज टू स्टडी ऑनलाइन एंड
solve quizzes online, because when you do it online, so you will be actually preparing yourself for the online quizzes and online testing as well. Syllabus changes कोई expected नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 साल पिछले साल change हुआ था almost 10 years के बाद, तो अभी भी हम ये expect कर रहे हैं कि almost 5-6 years ये syllabus कहीं पर भी नहीं गया, syllabus यही रहेगा. आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हम जब UHS की वेबसाइट पे जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, उस पर तो 2019 का सिलेबस पड़ा हुआ है, हमें 2020 का कहाँ से मिलेगा. तो आप ये चीज़ नहीं सोचें कि 2020 का कहाँ पर है. UHS वाले कुछ अरसे बाद जो है उसी सिलेबस के ऊपर 2019 को काट के 2020 लिख लेंगे और सिलेबस सारा वही रहेगा. तो आप जो है उसी सिलेबस को फॉलो करें और उसी हिसाब से आप पढ़ें, ठीक है, चाहे आप नियर पियर से पढ़ें या जहाँ पर भी पढ़ें. और डिफिकल्टी लेवल के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आना एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि UHS अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा सबके लिए बढ़ है, कम करेगा सबके लिए कम करे, मेंटेन भी रख रहा है सबके लिए. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेस्ट इज बिकॉज इट इज सेम फॉर एवरीवन, तो चीज़ों ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. आप बस अपनी तैयारी को बेस्ट रखें, अपने कॉन्सेप्ट वगैरह को आप बेस्ट रखें, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट से पूछते हैं कि फाइन, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी कन्फ्यूजन दूर कर दी, बट हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को रोकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार वेट अ सेकंड, how to start preparing is not that important topic because everyone at the end of the day will start preparing, theek hai, but you actually dekho agar ek race line hai, theek hai, wahan par sare log khade hue hain aur kya mai 3 2 1 wo referee karta hai aur aap bhagne shuru karte ho to sab bhagne shuru karte hain, theek hai na, to sabko pata hai ki humne bhagna hai, sabko pata hai ki humne prepare kya karna hai wagar wagar, lekin usse pehle jo important cheez hai wo ye hai ki us race line पर आने से पहले आपको ये समझ आ जाए कि आप किस चीज़ की रेस के अंदर जा रहे हो, ठीक है, ये क्या रेस है, ये मैराथन है, ये 100 मीटर रेस है, इसमें ऐसे भागना है, स्टेमिना के ऊपर खेलना है या किस चीज़ के ऊपर खेलना है. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स डैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर एक्चुअली गोइंग इन द रेस. अगर आप सबकी तरह बस रेस के अंदर अगर चले गए विदाउट नोइंग रेस एक्चुअली है क्या, तो आप फेल हो गए डेफिनेटली, ठीक है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इज What to prepare for? तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो, ठीक है. स्टूडेंट्स को यही चीज़ अक्सर औकात नहीं समझ आती, इस चीज़ के ऊपर ज़रा फोकस करो, ठीक है. What do you have to prepare for? ठीक है. Now you might say कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, we have to prepare for biology, chemistry, physics and English. No, not really. You don't have to prepare for chemistry, bio, physics and English. No, not at all. अगर यही चीज़ें टेस्ट करनी हो तो UHS आपका वो ले ले, FSC के एग्जाम्स देखे और FSC का रिजल्ट देखे, उसमें भी तो आपने बायो केमिस्ट्री इंग्लिश दी है ना, तो सिंपल वो देख कर आपको क्यों नहीं एडमिशन दे सकता. देयर इज समथिंग एल्स जो UHS चेक करें, एंड दिस इज जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि प्लीज़, दिस इज रिगार्डलेस ऑफ वेयर एवर यू स्टडी, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी अकेडमी में स्टडी कर रहे हो, किसी और पोर्टल पर स्टडी कर रहे हो, नियर पीयर पर स्टडी कर रहे हो, मैं आपको गारंटी करता हूँ, इवन अगर आप नियर पीयर पर भी स्टडी कर रहे हो तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो यू विल नेवर सक्सीड, ठीक है. स्पेशली दिस इज एक्चुअली स्पेशली फॉर द नियर पीयर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इस टाइम पर पढ़ रहे हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि यार हमने बायो केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई है, हमें पता है, लेकिन दीज आर थिंग्स जिसके ऊपर आपको खुद फोकस करना है ना. वट आर दोज थिंग्स? यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है. सिर्फ रटा नहीं मारना, सिलेबस को 10 बार कवर नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल है. अब तो तुम ये देखो कि ए लेवल का सिलेबस और मैट्रिक एफएससी का, उनके हिसाब से अब पेपर आता है, और अब जो पेपर क्रिएशन कमेटी जो है उसके अंदर ए लेवल के भी टीचर्स बैठते हैं और उसमें मैट्रिक के भी बैठते हैं, तो आपको क्या लगता है ए लेवल्स वाले टीचर जो है वो रटा बेस्ड एग्ज़ाम के ऊपर पुश करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. वो कहेंगे कि वो वाला पेपर बनाए जिसके अंदर बच्चों के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ए लेवल से बच्चे जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट डेफिनेटली होंगे. तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये चीज़ नंबर वन आपने जहन में रखनी है, ठीक है. टेस्ट लेने का मकसद ये सिर्फ रट्टा मकसद नहीं है, रट्टा बच्चों ने कितना अच्छा हमारे सिर्फ वो नहीं है, येस डैट इज एन एलिमेंट एज वेल, वो आपने करना है, उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन दिस इज द थिंग नंबर वन. नंबर टू, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट. द थिंग इज कि ये UHS जो है इसने, इसका जो देखो PMDC ने UHS को एक असाइनमेंट दी है कि यार एक ऐसा पेपर सेट करके दो कि हमें बेस्ट स्टूडेंट्स मिले. अब UHS बैठते हैं, UHS कहते हैं कि यार वी नीड बेस्ट स्टूडेंट्स, सही है. अब बेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वो बैठते हैं, वो कहते हैं क्या बेस्ट की डेफिनेशन ये है कि जिनके मार्क्स सबसे ऊपर आते हैं? नहीं, बेस्ट की डेफिनेशन ये है कि हमें वो बच्चे चाहिए जो स्ट्रेस बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, जो टाइम बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए. हमें ऐसे डॉक्टर्स बनाने हैं जो ऑपरेशन टेबल पे जब बैठे खड़े हों, उनके सामने बॉडी पड़ी हो जिस पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, सही है, वहाँ पर कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कहीं वो स्ट्रेसफुल ना हो जाए.
और कहीं वो टाइम मैनेजमेंट इतना बुरा ना हो कि अगर 40 सेकंड्स के अंदर अगर एक प्रोसीजर करना है तो वो उसको क्या नाम ज्यादा टाइम लगा दें, ठीक है। सो दे वॉन्ट टू बी वेरी श्योर अबाउट कि वॉट एवर स्टूडेंट्स वी आर स्क्रीनिंग थ्रू एम डी कैट टेस्ट दे आर वेरी गुड टू बिकम द डॉक्टर्स, और उन बच्चों को हम मेडिकल कॉलेजेस को दें। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बायोफिजिक्स केमिस्ट्री सब कर लेंगे लेकिन स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, दिस इज समथिंग डैट यू नीड टू नो। इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीजें बता नहीं सकता कि आपको किस तरह मैनेज करना है क्या है, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नाउ दीज आर थिंग्स डैट वी एक्चुअली टेल टू आर स्टूडेंट्स, बट this is not rocket science. If you even Google search it simply कि stress कैसे manage करना है, time कैसे manage करना है, near peer के ऊपर बच्चे जब quiz solve करते हैं तो हम उनको actually बताते हैं कि time कैसे manage करना है, stress कैसे manage करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर proper counseling होती है। We have the videos जो हम उनको send कर रहे होते हैं। But wherever you are studying, you go to your teacher, you go to your mentor. If there are counselors, near peer has special counselors. But if you have counselors in your academy, wherever you are studying, ask them these things कि सर physics, chemistry, bio तो हो जाएगा, हमें जरा इन चीज़ों के लिए आप prepare करें, ये चीज़ें क्या हैं, prepare for the exam day, इस चीज़ का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना in order to, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं उनके 94-95% होते हैं FSC के अंदर, but because they do not know these things, they simply fail, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जल्दी से। अब मैं आता हूँ नियर पीयर के ऊपर। नियर पीयर आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत अरसे से देख रहे हो, शायद अपने एल्डर सिबलिंग से भी सुन रहे हो। वी हैव बीन अराउंड फॉर अराउंड 4 years एंड वी हैव बीन कम्प्लीटली ऑनलाइन सिंस डे 1। वी डू नॉट हैव एनी फिजिकल इंस्टीट्यूट एंड वी हैव डेवलप्ड आर कोर एक्सपर्टीज। वी आर द ओल्डेस्ट, वी आर लार्जेस्ट एंड वी आर द मोस्ट क्रेडिबल एमडी कैट प्लेटफॉर्म आउट देयर इन द मार्केट, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस टाइम पे नए, 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन हुए हैं आए हुए, ठीक है। दे आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द थिंग्स, दे आर जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ यू कि यार बस पैसे दे दो, हम लोग जो है कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट नियर पीयर इज नॉट लाइक दैट। नियर पीयर हैज बीन प्रिपेयरिंग इट सेल्फ सिंस लास्ट 4 years, मे बी फॉर दीज डेज, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स द मोस्ट क्रेडिबल एंड मोस्ट एफिशिएंट एमडी कैट प्रोग्राम दैट एनीवन कैन ऑफर। और हमारे करंट स्टूडेंट्स अगर आप पूछें तो दे विल डेफिनेटली से कि हाँ, the way our videos are made, the sound quality, the content quality, the dedication of the instructors, the live sessions, the quiz portal, the website, everything is very user friendly and we have been preparing ourselves for that. So rest assured, you can definitely rely on Nearpeer more than anything else whatsoever, theek hai। अब मैं थोड़ा सा नियर पीयर के फीचर्स बताता हूँ। नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन पार्ट वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि नियर पीयर आपकी किस तरह से हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली आस्क अस के नियर पीयर के ऊपर क्या हमें लाइव लेक्चर मिलते हैं, हम सुबह को पढ़ें, शाम को पढ़ें, कितने बजे आपके लेक्चर्स होते हैं। सो दिस इज अ पार्ट वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू कि नियर पीयर किस तरह से पढ़ाता है। नियर पीयर के ऊपर जो है ना कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हैं वीडियो लेक्चर, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं क्विजेस, फिर आते हैं टेस्ट सेशन, फिर आते हैं लाइव सेशन, और फिर आता है टेस्ट सेशन, क्विज, एग्जैक्टली। ये 4 चीज़ें मिलकर जो है नियर पीयर बनाते हैं, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में लिखे हैं, ठीक है। अब मैं 1 by 1 आपको बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो लेक्चर पर आते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको नज़र आ रहा है आपके सामने, क्या नाम है, एक लैपटॉप है, फ़ोन है, लैपटॉप के ऊपर आप अपने वीडियो लेक्चर, फ़ोन पे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ये लाइव लेक्चर्स नहीं होते। व्हेन यू सब्सक्राइब द कोर्स तो सारे के सारे कोर्सेज के सारी की सारी वीडियोस, पूरे सिलेबस की वीडियोस आपको डे 1 पे दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि अब आप इससे बैठ के पढ़ें, ठीक है। अब वीडियो लेक्चर का क्या फ़ायदा है जो कि लाइव लेक्चर के अंदर नहीं होता। वीडियो लेक्चर का फ़ायदा ये है, दे आर अवेलेबल विथ यू 24/7, ठीक है। सो दिस इज द बिग थिंग, सही है। 24/7 सुबह शाम दिन रात जब आपने पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्ले देम, पॉज देम, रिवाइंड, रिपीट as many times as you want, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता। नॉट लाइक क्लास में बैठे हुए टीचर ने आपको पढ़ाया, उसके बाद टीचर गायब, सब कुछ गायब, आपको कुछ याद ही नहीं कि उसने क्या था क्या नहीं था। एंड देन दीज आर वेरी फोकस्ड एंड दे सेव टाइम। लाइफ के अंदर या क्लासरूम के अंदर दे आर लाइक 200 स्टूडेंट्स इन अ सिंगल क्लासरूम। कोई क्या सवाल पूछ रहा है, कोई क्या सवाल पूछ रहा है, जो कॉन्सेप्ट 5 मिनट में समझ आने वाला है वो 30 मिनट के अंदर जा रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट वेन यू स्टडी योर नियर पीयर विद आर स्पेशलाइज्ड वीडियो लेक्चर्स, दे आर फिनोमिनल, सही है ना। दे लाइक सेव टाइम। जो कॉन्सेप्ट 1 घंटे 2 घंटे में लोगों को नहीं समझ आता, और 20 मिनट्स 15 मिनट्स की वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाता है। नाउ इमेजिन व्हेन यू हैव दिस अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू कैन कवर ऑल द कंटेंट इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव दिस अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस इज द की व्हेन इट कम्स टू एमडी कैट प्रिपरेशन, राइट। कवरिंग द सिलेबस 10 times इज नॉट द की, प्रैक्टिस इज द की। सो नियर पीयर लेक्चर्स एक्चुअली सेव्स योर टाइम एज वेल। एंड देन द बेस्ट पार्ट अबाउट गेटिंग ऑनलाइन इज दैट यू हैव
द कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग. That is very important thing here. ठीक है, control का क्या मतलब है? So जब हमने near peer बनाया था, we wanted that learning should always be in your control. Not like कि आप लोग जब classroom में बैठे होते हैं, where the teacher is in charge of your learning. No, why should be the teacher in the charge of your learning? The technology has changed the entire world. Now you should have the control of your learning. Now having the control of your learning means what to learn, when to learn, how much to learn, and how fast to learn. All these five things should be in your hands. ठीक है, कब, क्या, कैसे, कितना और कितना तेज पढ़ना है. एक महीने में कवर करना है, एक महीने में करो. 15 दिन में कवर करना है कंटेंट को, 15 दिन में करो. 10 दिन में करना है, 10 दिन में करो. आपके अपने IQ और अपने आपकी अपनी एबिलिटी पे मैटर करता है. सही है, सो यू हैव द कंट्रोल. हर बच्चा डिफरेंट होता है. मैं मेरे अपने फेलो से डिफरेंट हूँ, आप अपने फेलो से डिफरेंट हो, हर बंदे का पैटर्न डिफरेंट होता है. नाउ हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर खड़ा किया जाए, उसके सामने जो है वो 100 बच्चे हों और एक टीचर एक ही स्टाइल में सब बच्चों को पढ़ा रहे और सब बच्चों को एक साथ समझ आ जाए. ऐसा नहीं हो सकता, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो ऑनलाइन आने से ये फायदा होता है कि यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग. जो आपकी एबिलिटी है आप उस हिसाब से पढ़ते हो. सी, सो दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ नियर पीयर. ठीक है, एंड देन यस, ऑल द वीडियो लेक्चर्स आर फुली अपडेटेड एज पर द लेटेस्ट सिलेबस. दैट डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग. ये वाली चीज़ तो हमारा मेन फीचर है. ठीक है, अच्छा, ये आगे वीडियो लेक्चर्स. ठीक है, अब आते हैं द नेक्स्ट बेस्ट थिंग विच इज क्विजेस. ठीक है, क्विजेस के बगैर कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है. एंड नियर पीयर हैज इन्वेस्टेड सो मच इनटू मेकिंग श्योर दैट वी हैव द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द क्विजेस आउट देयर. ठीक है, और क्विजेस सारे ऑनलाइन होते हैं, कोई पेपर वर्क नहीं होता. यू हैव द क्विजेस ऑनलाइन, यू सॉल्व देम ऑनलाइन. जिस तरह से अगर आप ये अपना क्विज सामने देख रहे हैं, यू हैव क्विज, यू हैव क्वेश्चन, यू हैव ऑप्शंस. You click here and then you go to next question. Then you click, then you go to the next question. आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा सा टाइमर भी चल रहा है. ठीक है, सो वेन यू सॉल्व द क्विजेस ऑनलाइन, होता यह है कि यू क्लिक सबमिट द क्विज एंड देन द मैजिक हैपन्स. एंड दैट इज ब्यूटिफुल. दैट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड माई मोस्ट फेवरेट थिंग. ठीक है, वॉट इज दैट? वेन यू सॉल्व द क्विज, वेन यू सबमिट द क्विज, इंस्टेंट रिजल्ट. ठीक है, और उस रिजल्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके वो इतने मजे के रिजल्ट्स होते हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू प्रिपेयर बेस्ट फॉर द MDCAT. एंड वी रियली वॉन्ट कि इस बार टॉपर हमारे प्लेटफॉर्म से हो. एंड वी बिलीव कि टेक्नोलॉजी कैन डेफिनेटली हेल्प स्टूडेंट्स एक्चुअली अनलीश देयर ट्रू पावर एंड अंडरस्टैंड देयर वीकनेसेस. नाउ लुक एट द रिजल्ट पेज जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ. सो यू इंस्टेंटली सी कि आपका क्या स्कोर है. ठीक है, कोई की के अगेंस्ट देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू इंस्टेंटली नो कि आपकी क्या परसेंटेज है. यू इंस्टेंटली नो कि राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन आपके कितने हैं. ठीक है, नाउ दैट इज जस्ट द बेसिक. द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू कैन एक्चुअली सी योर परफॉर्मेंस ट्रेंड, कि आप ओवर द टाइम जो है वो ऊपर जा रहे हो. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आप नीचे आ रहे हो. अगर नीचे आ रहे हो तो बैड न्यूज, कुछ ना कुछ खराब चल रहा है. आप अपनी स्टडी को जितना पहले फोकस दे पा रहे थे वो उतना नहीं दे पा रहे. पहले आप ऊपर जा रहे थे, अब आप नीचे जा रहे हो. सो यू एक्चुअली सी, यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस ईच एंड एवरी डे, कि जब भी आपकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है समथिंग इज बैड. सही है, टेक्नोलॉजी आपको बता रही है कि यू नीड टू वर्क अराउंड योर स्केड्यूल, योर प्लान्स, योर रूटीन, बिकॉज आप आजकल एफिशिएंटली नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत लेथार्जिक होकर पढ़ रहे हो. दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव एट नियर पीयर इज जो रिजल्ट पेज में होता है अलॉन्ग विद द राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, इस वाले क्वेश्चन के अंदर दिस वॉज द राइट ऑप्शन, दिस वॉज द रॉन्ग ऑप्शन, बट अलॉन्ग विद द राइट एंड रॉन्ग यू ऑल्सो गेट द सोल्यूशन एज वेल ऑफ ऑल द क्विजेस दैट यू सॉल्व, विच इज लाइक फिनोमिनल, विच इज ब्यूटिफुल. ठीक है, सो जब आप पेपर के ऊपर सॉल्व कर रहे होते हैं अपने क्वेश्चन को, तो आप देखते होते हैं कि वहां पर क्या होता है. वहां पर यू डू सॉल्व द क्वेश्चन, आपके पास की होती है, बट डू यू हैव द सोल्यूशन. But our amazing team of quiz, they sat together, they went through all the quizzes and they wrote down beautiful answers of all the questions, so that you guys should get instant results and instant answers and instant clarification of your questions. ठीक है, so that is a beautiful part as well. Now moving forward, the best thing about the quizzes is, अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ. MDCAT is not about, now I repeat, MDCAT is not about how many marks you get. It's about how many marks you lose. That is the thing. ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? अगर हम MDCAT को अगर देखें ना, तो there is this curve called normal curve कहते हैं. मुझे अपनी पता आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी. ठीक है, ये 0 marks हैं और ये 200 marks हैं. ठीक है, majority of the बच्चे जो हैं वो 170-180 marks ले लेते हैं, और admission जो है वो इतने बच्चों का होता है तकरीबन. ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो इसके अराउंड होते हैं, 170 मार्क्स के अराउंड होते हैं. अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, इट्स फाइन. ठीक है,
160 से 180 के दरमियान में मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो है वो टॉप पर जा सकते हैं, वो 180 मार्क्स ले रहे हैं, वो 182 185 मार्क्स ले रहे हैं, 179 मार्क्स वो ले रहे हैं, ठीक है। बट वो मार कहाँ पे खा रहे हैं, वो जो ऊपर के जो 20 नंबर हैं जो वो नहीं ले पा रहे, वो ऊपर के 20 नंबर वो आखिर क्यों नहीं ले पा रहे, बिकॉज दे आर लैकिंग समथिंग इन इन जो जो उनको रोक रहा है वो 20 नंबर लेने से, ठीक है। सो एमडी और जो बच्चे वो 180 प्लस मार्क्स ले लेते हैं, 185 190 192 वो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। एमडी कैट में ऐसा किया है कि आपके 197 मार्क्स ना है, आपके 198 मार्क्स ना है, स्टूडेंट्स कहते हैं 180 185 आ जाए बहुत है, 199 मार्क्स क्यों ना आए, ऐसा क्या है एमडी कैट के अंदर, कुछ भी नहीं आते हैं ना, 197 198 पे टॉप भी होता है, वो कोई स्पेशल बच्चे तो नहीं है। सो एमडी कैट के अंदर द थिंग इज कि मेजॉरिटी बच्चों की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो 180 मार्क्स ले लें, बट व्हाट यू रियली नीड टू फोकस ऑन इज कि वो वीकनेस क्या है आपकी, वो बचा हुआ गैप क्या है जिसको अगर आप कवर कर लो तो आप 200 पे चले जाओ। नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट वीकनेस नाउ, बिकॉज जिस तरह से हमारी अकेडमी में पढ़ाया जाता है और हमारे टीचर सिर्फ टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स नहीं होते, वो एक एक स्टूडेंट को बता नहीं पाते और शायद हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 200 बच्चों के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकें। सो दैट इज़ अ पॉइंट वेयर टेक्नोलॉजी कम्स इन। नाउ टेक्नोलॉजी एक्चुअली कम्स इन एंड टेल्स यू कि आपकी क्या वीकनेस है, आप कहाँ पर इस टाइम पे वीक खड़े हुए हो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का जो पार्ट है जो इस टाइम पे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, नाउ दैट इज माई स्पेशल थिंग। ये क्या चीज है, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है हर एक टॉपिक के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स की अगर बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये वाला जो गैप है इसको आप कैसे कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 75 पे खड़े हैं, इस गैप को कवर करना है, इस वाले गैप को कवर करना है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर तो आप बहुत ही खराब जा रहे हैं, आप तो 0% के करीब हैं, आपने तो इतना ज्यादा यहाँ पर कवर करना है। नाउ टेक्नोलॉजी टेल्स यू कि रादर देन यू स्पेंड मोर टाइम ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसके अंदर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू गिव टाइम टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या व्हाई डोंट यू गिव टाइम टू इक्वेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज ये जो है और पीछे है, सही है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट ताकि आप इसको यहाँ पर लाएं। जब तक आपका ये वाला ग्राफ इस तरह की शेप के अंदर नहीं होगा, मतलब सारे टॉपिक्स के अंदर आप 100% परफॉर्म नहीं कर रहे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट 195, 196 प्लस मार्क्स इन एमडी कैट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी है, ठीक है। सो नियर पीयर पे क्विजेस आपकी ये हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई फील वेरी एक्साइटेड टू टेल यू दिस, एंड आई फील मोर एक्साइटेड जब स्टूडेंट्स आप लोग जब हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने लेक्चर देख लिए और हमने क्विज़ सॉल्व कर लिए, बट अगर अभी भी हमारे जहन में क्वेश्चन है तो क्या होगा, वेल डोंट वरी, वी हैव अमेजिंग ऑनलाइन सपोर्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स एंड टीचर असिस्टेंट्स एंड आवर ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर यू। अभी जो हमारे करंट इस टाइम पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 2000-3000 स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जब भी उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है दे पोस्ट इट इन आवर ग्रुप्स, ठीक है, जो क्लासरूम ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है, एंड इंस्टेंटली someone from the community, someone from the teacher assistant and the instructors, they themselves reply you instantly, ठीक है, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसा एकेडमी के अंदर होता है वहाँ पर टीचर जो है वो आता है, 2 घंटे वो आपको पढ़ाएगा और उसको अगली क्लास में जाने की जल्दी होगी और वो आपको इतना टाइम नहीं दे पाएगा, बट एट नियर पीयर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने रात को 12 बजे क्वेश्चन पूछने हैं पूछें, सुबह 6 बजे पूछने हैं पूछें, दिन को 3 बजे पूछना है पूछें, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन व्हेनेवर यू वांट विद द कंफर्ट दैट यू विल डेफिनेटली गेट अ रिप्लाई एंड यू विल गेट अ रिप्लाई सून इनफ, ठीक है। सो यू विल हैव द फैसिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इन आवर क्लासरूम ग्रुप्स 24/7, ठीक है, दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वी हैव वर्कड ऑन, वी हैव अ टीम डेडिकेटेड टू आंसर योर क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यू हैव ऑल दीज थिंग्स, वीडियो लेक्चर देख लिया, क्विज देख लिया, टीचर से क्वेश्चन पूछ लिए, अब वी हैव इंट्रोड्यूस दिस फीचर इन आर एमडी कैट प्रोग्राम वेयर यू विल हैव द लाइव सेशंस ऑन नियर पीयर एज वेल। सो ये लाइव सेशंस में क्या होगा कि वी हैव डिजाइंड अ स्केड्यूल जिसके अंदर आप लोगों की ये सारे टेस्ट लिए जाएंगे, सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वार्टर बुक टेस्ट, सेकंड क्वार्टर हाफ बुक, थर्ड फोर्थ, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, इंग्लिश के अलग, बायो के अलग, ठीक है। और आजकल पीपल आर स्टूडेंट्स आर गोइंग क्रेजी फॉर आर क्विजेस, ठीक है, वी पोस्ट आर क्विज, ठीक है, दिन को किसी टाइम पे उनके पास 5-6 घंटे होते हैं, दे कैन सॉल्व दैट क्विज व्हेन एवर दे वॉन्ट, और जब वो उस क्विज सॉल्व कर लेते हैं तो वी हैव, अब क्योंकि डाटा की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है तो इतने मज़े की चीज़ होती है। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव लाइक 60 क्वेश्चन
हमारे पास जो हमने क्विज के अंदर दिए होते हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलत किया है, ये वाला उससे कम, ये वाला उससे कम, ये वाला उससे कम, ये वाला उससे कम. सो व्हाट वी डू इज इंस्टेड ऑफ गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें बच्चों का कोई फायदा ना हो, ठीक है, वी एक्चुअली हैंड पिक दोज मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि 80% क्लास ने गलत किए हैं या 70% क्लास ने गलत किए हैं या 95% क्लास ने गलत किए हैं. नाउ व्हेन वी फोकस ओनली ऑन दोज क्वेश्चंस वी एक्चुअली नो कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स में कहाँ गलती हो रही है, कहाँ उन्हें ज़्यादा फोकस करना है अपनी चीज़ों के ऊपर. यू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये चीज़ मेरी क्यों गलत हुई थी, इस चीज़ को मैंने कैसे सही करना है, मैंने बुक की कौन सी वाली लाइन मिस की है, मैंने कौन सा वाला कॉन्सेप्ट मिस किया है. नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आर लाइक I think exclusive to Nearpeer's technology, and that is the beautiful thing. That is something that we have worked on past 3 years to make technology so beautiful that it actually helps the students. That user-friendly technology, or teacher-friendly technology, or learning-oriented technology, not just that video lecture उठा कर आपने ऊपर डाल दिए, हर कोई वो कर रहा है, but how do you actually make the entire ecosystem of online education such that it actually helps the student? So that is the key here. ठीक है. अच्छा, सो अगेन रिव्यूइंग दैट, टेस्ट सेशन आपका होता है और टेस्ट के बाद आपके जो हैं लाइव डिस्कशंस होती हैं ग्रुप्स के अंदर, जिसमें टीचर आते हैं और आपसे सवाल जवाब लेते हैं, आपको समझाते हैं, आपकी गलतियों के ऊपर बात करते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर जाते हैं. नाउ दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है थ्रू ऑल दिस टेस्ट सेशंस एंड लाइव सेशंस के दो के आपके पास सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे. आप जब मर्जी ज्वाइन करें, आप आज ज्वाइन करें, 15 दिन बाद ज्वाइन करें, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल. और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लेट ज्वाइन करें तो टेस्ट सेशन आप मिस करें, इट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज टेस्ट सेशन अगर कोई हो भी गया तो उसकी वीडियो लेक्चर अभी भी आपके लिए अवेलेबल है. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल. ठीक है, बट या डेफिनेटली सूनर द बेटर, जितना जल्दी आप इनरोल करेंगे उतनी अच्छी बात है, और करें, मैं रिकमेंड करूंगा, ताकि वीडियो लेक्चर तो आपको शायद अवेलेबल हो जाए लेकिन आप टीचर से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे बाद में. तो अगर आप जितना जल्दी इनरोल करेंगे बेहतर है, क्योंकि आप पूरी क्लास के स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे और आप टीचर से सवाल जवाब भी कर पाएंगे जब उनका लाइव सेशन हो रहा होगा. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट वी वांट टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस बिफोर जुलाई एंड टू रिपीटेड रिवीजन आफ्टरवर्ड्स. ठीक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अच्छा, वी हैव द अमेजिंग फैकल्टी, अल्हम्दुलिल्लाह, वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन आवर फैकल्टी. वी हैव सर शुएब, हु डजंट नो दैट, who doesn't know him, he's an amazing teacher. Inka 10 saal se zyada padhane ka experience hai in various institute, toppers inke haathon se nikle hue hain, wo students inke haathon se nikle hue hain who have gotten 100% chemistry marks. Same goes for the bio instructors as well, and so does physics instructor as well. Apni baat main zyada nahi karunga, aise apni tareef karne ka fayda nahi hai, but you guys can go on YouTube and watch my lectures on English. तो आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि how are my lectures. और हम सारे instructors का इनका 10 years का experience है और 3 years से ज़्यादा का तो online पढ़ाने का experience है. Unlike all other academies जहाँ पर teacher अभी 15 दिन पहले online आए हैं, all these teachers have been working hard to create awesome resources online. So yes, so that you can study very comfortably from them. ठीक है, now no other instructors or no other faculty or the package of faculty can offer you that thing. So that is the strength of Nearpeer. ठीक है, और मैं अच्छा, सो या अभी भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, सो वन थिंग दैट Nearpeer हैज विच आई थिंक नो वन एल्स हैज राइट नाउ इज वी हैव अ बंच ऑफ ब्यूटीफुल काउंसलर्स. काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा इस वाली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम मैंने काउंसलिंग के ऊपर दिया है और कम टाइम मैंने शायद Nearpeer को दिया है. ठीक है, बिकॉज वी बिलीव कि यार बच्चों को काउंसिल करने की जरूरत है, बच्चों के प्रॉब्लम्स को सुनने की जरूरत है, बच्चों को उसके हिसाब से गाइड करने की जरूरत है. सिर्फ ये नहीं कि हम मेरे MD गाइड में ये है, मेरा Nearpeer ये है और मेरी चीज़ ये है. नहीं, नॉट एट ऑल, वी आर नॉट लाइक दोज. वी बिलीव दैट योर प्रॉब्लम्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड, एंड वी रियली वॉन्ट टू रीच आउट टू यू गाइज एंड हेल्प यू. सो फार पिछले 5-6 महीने से हम लोग रिपीटेड स्टूडेंट, गैप ईयर स्टूडेंट, हम सबको काउंसिल कर रहे हैं. मे बी टिल नाउ वी हैव काउंसिल मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स एंड आर बंच ऑफ ऑसम काउंसलर्स. वी हैव मिस नूर, वी हैव मिस बिस्मा, वी हैव मिस आयशा, दे कलेक्टिवली हैव काउंसिल मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स ऑन आर प्लेटफॉर्म. सो वट यू गैस कैन डू इज, अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन सिंपली व्हाट्सएप दैम, यू कैन सिंपली कॉल दैम. बेहतर है व्हाट्सएप पहले करें, कॉल बाद में करें. ठीक है, और आप इनसे क्वेश्चंस पूछें, आप अपनी कन्फ्यूजन्स डिस्कस करें,
जो भी आपके कंसर्न्स हैं आप डेफिनेटली हमारे काउंसलर्स को रीच आउट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ यू स्टडी ऑन नियर पीयर और नॉट, ठीक है। लेकिन कोशिश करें एमडी कैट रिलेटेड क्वेश्चन हो और जेन्युइन क्वेश्चंस हो, ठीक है। अगर जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं होंगे तो ये बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं हमारे काउंसलर्स से, सो मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू देम इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर एंड वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, बाकी यू नो आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पर जाएं वहाँ पर तो आपको डिटेल्स मिलेंगी। दो मिनट लूंगा अपने कोर्स के बारे में बताने। यू नो प्रीटी मच आई गेस आई टीच इंग्लिश इंग्लिश एम डी कैट एट nearpeer.org और मेरे जो है ग्रामर का पार्ट और वोकैबुलरी दोनों को मैं कवर करता हूँ बहुत डिटेल के अंदर। एंड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इज सच दैट आई डोंट फॉलो एनी बुक, आई डोंट फॉलो FSC ये वो आगे पीछे वाली चीज़ें। वॉट आई डू इज मैं एक्चुअली बेसिक्स में जाता हूँ इंग्लिश की, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि FSC के स्टूडेंट्स जिस तरह से जिनका बैकग्राउंड है इंग्लिश इतनी स्ट्रांग उनकी नहीं होती और MD CAT एकदम से बहुत हाई लेवल आ जाता है, तो वो जो गैप है फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू ब्रिज दैट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक में जाकर, ठीक है, बेसिक ग्रामर, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज वर्ब, यहाँ से मैं स्टार्ट करके फिर स्टूडेंट को मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। एंड माई वोकैबुलरी आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट माई वोकैबुलरी लेक्चर्स जो कि फ्री में यूट्यूब भी पढ़े हुए हैं, नियर पीयर पर तो पढ़े भी हैं। यू शुड डेफिनेटली चेक हाउ अमेजिंगली आई ट्राई कि स्टूडेंट की लाइफ के पार्ट बन जाए वो वोकैबुलरी की वर्ड्स रादर देन जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट माई प्रोग्राम। आई लव माई कोर्स बाय द वे, आई हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन टू मेकिंग माई कोर्स, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू लव इट एज वेल। एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन स्टूडेंट्स एक्चुअली एक्नॉलेज, एंड मुझे फिर कभी शोधी मारने का दिल करता है उस चीज की, यार मैं सी स्टूडेंट्स एक्चुअली लव माय प्रोग्राम। आई वाज वेरी हैप्पी लास्ट ईयर देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नियर पीयर के ऊपर हु गॉट 100% मार्क्स इन इंग्लिश एमडी कैट, 30 out of 30, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज सेड समथिंग गुड अबाउट मी एज वेल, यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट अबाउट लुकिंग एट सच थिंग्स। सो या आई थिंक दैट्स इट, thank you so much for giving so much of your time to me and listening to all of this thing. I really appreciate that and I look forward to see you in my class soon. And if, even if you are not studying on your peer, I wish you all the best. जहाँ से भी पढ़ें बेहद ज़रूरी ये चीज़ है कि आप कंट्री के लिए एक अच्छा रिसोर्स बने और आप कामयाब हों, आपकी फैमिली आपसे खुश हो, आपका मुल्क आपसे खुश हो, इससे ज़्यादा और किसी को क्या चीज़ चाहिए। सही है जी, थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।